से लोकसभा के स्पीकर बने हैं। ये सभी राजस्थानियों के लिए गर्व की बात है और ये बेसिकली एक कार्यशाला है और स्पीकर साहब का एक स्वागत समारोह भी है कि वो सबसे उनका इंटरेक्शन हो पाएगा और जो नए विधायक जीत के आए हैं विधानसभा में उनकी एक कार्यशाला में उनको जो विधानसभा में जो गतिविधियाँ होती हैं किस प्रकार से अपनी बात रखने चाहिए उसके बारे में उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो जाएगा। मुझे लगता है इससे काफ़ी फ़ायदा सभी को होगा। मैम इससे आपने भी एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को पहलू ग्राम के मामले पर, वो इश्यू भी काफ़ी ज़्यादा की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो क्या पूछताछ 29 तारीख को आपने लेटर लिखा था? देखिए सही बात है कि मैंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को क्योंकि जो पहलू हत्याकांड हुआ था बीजेपी सरकार के दौरान हुआ था उसकी जांच बीजेपी सरकार ने करी थी और मुझे लगता है बहुत सारे तथ्यों को बीजेपी की सरकार ने छुपाया था जो फाइल पे नहीं लिए गए थे, तो इस जांच पे मुझे लगता है जनता का विश्वास नहीं है और कांग्रेस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं इस राजस्थान की जनता को कि इसमें निष्पक्ष जाँच अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार पायलट जी की सरकार कर सकती है। मैम एक और खबर आ रही है कि पहलू खान मामले में राजस्थान सरकार और पुलिस ने अलवर कोर्ट में अर्जी दी है और कहा है कि पहलू खान के परिजन इस हत्याकांड से जुड़े कुछ पहलू पर फिर से जांच कराना चाहते हैं, ऐसे में जो पुरानी चार्जशीट का आधार है उसे आगे ना बढ़ाया जाए, सिरे से उस प्रकरण की जाँच की जाए, ऐसा भी कुछ है? देखिए मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन सभी लोग इस बात को जानते हैं कि उसमें जाँच निष्पक्ष नहीं हुई थी, पक्षपात हुआ था और जो हम तो ये कह रहे हैं जनता ये कह रही है कि जो वीडियो है कम से कम जो उसमें नज़र आ रहे हैं उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए वरना तो इस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा कहलाया जाएगा। बिल्कुल होनी चाहिए, ये देश लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि अगर किसी बात पर उनको विश्वास नहीं होता है तो पुनः जाँच होनी चाहिए। ये आम सी बात है कि जाँच पुनः होती भी है, छोटे छोटे केसेस में दोबारा जाँच हो जाती है, जब इलेक्शंस में काउंटिंग होती है अगर भरोसा नहीं होता है कैंडिडेट को तो दोबारा वोटों की काउंटिंग हो जाती है, तो इस मामले में दोबारा जांच होना कोई बड़ी बात नहीं है।